अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आनंद नजीब और आप देख रहे हैं फोर हंटर्स की एक और वीडियो। आज हमारे साथ गन है, वो है जी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली चाइना की पीसीपी एयरगन P10। जी हाँ, इसे ही एजाज़ हासिल है कि ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फरोख्त हुई है। ये एक बुल पॉप गन है, मतलब छोटे डिज़ाइन छोटे साइज़ की ये गन है। छोटे साइज़ मुराद ये नहीं है कि इसकी बैरल को काट कर छोटा कर दिया गया है, बल्कि आम जो ट्रेडिशनल राइफल है वो होती है उसका स्टॉक मेन असम्बली और आगे बैरल होती है, जबकि इसके स्टॉक के ऊपर ही इसको फिट कर दिया गया है और बैरल भी यहीं से शुरू हो जाती है। मगर एक प्रॉब्लम ये आता था इसमें, जो ट्रिगर होता है वो मेन असम्बली के बिल्कुल नीचे ही होता है। अगर यहाँ पर ट्रिगर लगा देते तो फिर आपको यहाँ से ट्रिगर दबाने में मुश्किल होती। तो इसके डिज़ाइन में, ट्रिगर के डिज़ाइन में थोड़ी तब्दीली की गई है। ट्रिगर को दो हिस्सों में तकसीम करके उसकी मेन असम्बली यहाँ पे है और ट्रिगर को आगे कर दिया गया है और इन दो हिस्सों को एक राड के ज़रिए जोड़ा गया है। ये जो है, ये है आर्टेमिस की P10। आपके पास SPA की हो सकती है, आर्टेमिस की हो सकती है, फॉक्स की हो सकती है, ऑनिक्स की हो सकती है, एयरमैक्स की हो सकती है। हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में आपको इस पर डियाना भी लिखा हुआ मिल जाए। इस पर डियाना क्यों लिखा हुआ मिलेगा, इस पर भी मैं आता हूँ। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके इतने नाम क्यों हैं, आर्टेमिस, SPA, फॉक्स, ऑनिक्स, एयरमैक्स। तो उसका जवाब यह है कि इसको बनाने वाली सिर्फ एक ही कंपनी है और वो है SPA, स्नो पीक एयर गन्स ऑफ चाइना। तो फिर ये क्या है, आर्टेमिस क्या है, ऑनिक्स क्या है, फॉक्स क्या है? तो आर्टेमिस जो हमें बताता है वो ये बताता है कि वी आर वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स। आर्टेमिस का अगर हम डब्बा देखें तो उसके ऊपर भी वो खुद मेंशन करता है कि वी आर वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये आर्टेमिस का डब्बा है, इसी गन का। इस डब्बे पर आर्टेमिस ने कहीं पर भी अपनी वेबसाइट का URL नहीं दिया। ये जो एक URL दिया गया है www.chinaairrifle.com, जब इसे हम ओपन करते हैं SPA की ही वेबसाइट ओपन होती है। इसके अलावा इस पर एक QR कोड भी प्रिंट है, इसे अगर हम स्कैन करके ओपन करें तो फिर भी SPA की ही वेबसाइट ओपन होती है। तो इससे साबित हुआ कि इसे बनाने वाली सिर्फ एक ही कंपनी है और वो है SPA। अब आते हैं डियाना के ऊपर कि डियाना इस पर क्यों लिखा हुआ आपको मिल सकता है। वो इसलिए कि डियाना ने SPA के साथ एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत चार गन्स, कम अज़ कम चार गन्स जो मेरे इल्म में हैं, जो मेरे इल्म में हैं, कम अज़ कम चार गन्स डियाना ने SPA के साथ मुहिदा करके ली हैं। उनमें एक पिस्टल है और एक है PR-900, जिसे बनाया है डियाना स्टॉर्म राइडर। बनाया क्या है जी, सिर्फ ऊपर प्रिंट कर दिया है। दूसरी गन है M16, उसे बना दिया है डियाना आउटला। खाली प्रिंट ही किया है, बाकी क्या बनाया उसने। और तीसरी है P15 को बनाया है डियाना स्काई हॉक, मगर उसके स्टॉक में तब्दील की है। स्टॉक बनवाया है इटली की एक कंपनी मिनेली से, और मिनेली स्टॉक में पड़ने के बाद P15 हो बहुत खूबसूरत गई है। तो जी, डियाना जाने और उसका काम। हम आते हैं अब इस गन के ऊपर। तो ये एक बहुत ही पायदार और एक्यूरेट गन है। हमारे जहन में अक्सर आता है जब हम चाइना का नाम लेते हैं तो एक हल्की, एक माड़ी, एक थक्कल सी चीज़ हमारे जहन में उभरती है, एक नक्शा उभरता है एक चीज़ का, मगर वो चीज़ ये नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि चाइना भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बनाता है। अगर आपने
अगर आपको पता ना हो कि ये चाइना की बनी हुई है, तो सबसे पहला जो इम्प्रेशन आपके जहन में, आपके दिमाग में उभरता है, वो उभरता है कि ये एक बहुत अच्छी कंपनी की गन है। सॉलिड है, पायदार है, बनावट इसकी बहुत ही मज़बूत है। रबर बैड और ये हार्ड वुड स्टॉक, बहुत ही हार्ड वुड है ये जी। एक बोल्ट एक्शन गन है और बोल्ट इसका बहुत ही स्मूथ है और इजी टू कॉक। और इसका ट्रिगर बहुत ही लाइट और स्मूथ है। और ये इसकी मैनुअल सेफ्टी थंब होल डिज़ाइन, 280 सीसी का सिलेंडर जो आपको तकरीबन 50 के करीब आपको रेगुलेटेड शॉट देती है। जी हाँ, ये एक रेगुलेटेड गन है, इसके अंदर रेगुलेटर इंस्टॉल हुआ है। ये जी बैरल इसकी शराउडेड है, हाफ शराउड इसका बैरल है। इसको मैंने थोड़ा सा बाहर निकाला हुआ है ताकि कुछ डिज़ाइनिंग चेंज हो जाए। ये जी 22mm की रेल के साथ आती है। अगर आपने डिस्कवरी किसको मंगानी है तो सबसे पहले 22mm के माउंट भी साथ मंगवा लें, क्योंकि डिस्कवरी की अक्सर स्कोप्स जो आती हैं वो 11mm माउंट के साथ आते हैं। और इसके ऊपर स्कोप लगाई है हमने सेंटर पॉइंट की 416 AOIR। ये दरमियाने वज़न की गन है, तकरीबन 3 किलो सवा 3 किलो इसका वज़न है। अब तो इस पर स्कोप और ये बाईपार लग कर थोड़ा वज़न लग रहा है मुझे। आगे इसके मोनोमीटर दिया गया है, प्रेशर गेज, और ये डस्ट कवर इसका, यहाँ पे फिलिंग प्रोब लगाइए और फिल कीजिए और उसके बाद इसको ये डस्ट कवर लगा दीजिए। तो बहुत ही अच्छी बेल्ट क्वालिटी है। तो अब इसके करते हैं क्रोनी और इसकी करते हैं एक्यूरेसी टेस्ट। ये जी एक सिंगल शॉट ट्रे, ये है इसकी, और एक रोटरी 11 शॉट रोटरी मैगजीन के साथ ही आती है। और इसका जो मैगजीन है उसका स्टाइल और डेट स्टेट वाला है, जो मैगज़ीन डे स्टेट इस्तेमाल करती है तकरीबन ये उसी हिसाब का है। तो इसका लोड करने का तरीका बहुत ही इजी है। तो बस आप पैलेट लीजिए, इसके अंदर डालिए और किसी चीज़ के साथ इसको नीचे बिठाइए, घुमाइए, एक और पैलेट डालिए, बिठाइए, घुमाइए, पैलेट डालिए, बिठाइए, घुमाइए। अब ये आपको किटक की आवाज़ आ रही है तो इसके साथ ये लॉक हो जाता है। बिठाइए, डालिए, पैलेट को बिठाइए और घुमा दीजिए, पैलेट डालिए, हीट कीजिए और घुमाइए, इस तरह जी प्रोसेस आपने मुकम्मल करना है। हाँ, 11 छर्रे इसी तरह आपने डालने हैं। ये हो गया जी, ये हमारा मैगज़ीन लोड हो चुका है, ये इसका मैगज़ीन है जी। इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं जी, सबसे पहले JSP 18 ग्रेन के साथ, और साथ में हम इसकी क्रोन भी करते जाएंगे।
894 जे एस पी 18 ग्रेन के साथ। आठ सौ 93.7 892 अब जी इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं। ये है हमारे पास बिजली मैगनम, ये 21 ग्रेन का पैलेट है, मेड इन जर्मनी फॉर जॉन रॉथरी, तो बहुत ही अच्छा पैलेट है। तो इसके साथ 50 यार्ड पे एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं P10 की। आठ सौ 38 दे रही है जी इसके साथ बिजली मैगनम 21 ग्रेन के साथ। हवा भी चल रही है तो जिसकी वजह से आठ सौ 39 ये आ गए हैं जी हमारे पास रिज़ल्ट। ये है जी बिजली मैगनम का ग्रुप, तकरीबन कोई अगर इसे छोड़ दें इसे भी अगर काउंट करें तो ये आधे इंच से भी कम है। और ये है जे एस बी 18 ग्रेन के साथ, एक है इसका फ्लायर, और ये जो चार पैलेट्स ये भी आधे इंच में लगे हैं, इसे काउंट करें तो ये तकरीबन पौने इंच में मान जाता है। तो जे एस बी 18 ग्रेन के साथ बहुत अच्छी एक्यूरेसी दे रही है। और इसके अलावा ये जी हैं बिजली मैगनम मेड इन जर्मनी फॉर जॉन रॉथरी होलसेल, इसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, ये पैलेट्स बहुत ही अच्छे हैं और ये लॉन्ग रेंज में भी बहुत अच्छी एक्यूरेसी देते हैं, 100 यार्ड में बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी देते हैं। तो जी मैंने इसको तकरीबन सभी पैलेट्स के साथ इसको आजमाया है, जे एस बी के तकरीबन 3-4 हैं, 18 ग्रेन है, 16 ग्रेन है और 14 ग्रेन, तो उसमें 18 ग्रेन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है इसके ऊपर। और इसके अलावा ये बिजली मैगनम के साथ तो ये बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी दे रही है, 50 यार्ड पे भी और लॉन्ग रेंज में भी एक्यूरेसी है इसके साथ। और इसके अलावा प्रो मैगनम कंपटीशन और ये पेनिट्रेशन, तो ये हो गया गेम मैच। और फ्यूरी बीएसए का वो फ्यूरी है, वो 50 यार्ड के अंदर अच्छी एक्यूरेसी है उसके साथ, तो गेम मैच के साथ भी 50 यार्ड के अंदर आप आसानी से हैंड कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी गन है अगर
30 yard के अंदर आप इसके साथ वो जो ईरानी जेट होते हैं, 1 रुपये का एक पैलेट है, तो उसके साथ भी आप आसानी से हंट कर सकते हैं 30 yard के अंदर। तो तकरीबन ये सभी पैलेट्स को अच्छी से चलाती है 50 yard के अंदर। ये थी जी आज की वीडियो, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।